अस्सलामु अलैकुम। डेट 6 जुलाई 2020, क्लास KG 2, सब्जेक्ट इस्लामियात। आइए बच्चों अपने सबक का आगाज़ तावुफ़ इस्मे की तिलावत और दुआ से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अम्री واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم آمين। बच्चों आज हम सीखेंगे दिन रात में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं। फजर, जहर, असर, मगरिब, इशा, 5 नमाज़ें फ़र्ज हैं। आज हम इन 2 नमाज यानी कि फजर और जहर के बारे में सीखेंगे कि इसमें कितनी रकात होती हैं, हमें कैसे पढ़ना चाहिए इन रकातों को। फजर में कुल 4 रकात होती हैं, सुन्नत मौकदा, फ़र्ज, सुन्नत नफिल, वितर, इस तरह होता है। लेकिन फजर में 2 रकात पहले होती है सुन्नत मौकदा, 2 रकात सुन्नत मौकदा, 2 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नत मौकदा, 2 रकात फ़र्ज। पहले सुन्नत मौकदा पढ़नी है, फिर फ़र्ज पढ़ना है, टोटल हो गए 4 रकात। फजर में कुल 4 रकात होती है। फजर का टाइम कब होता है? सुबह 4:30, सर्दियों में 6 बजे तक, ठीक है। जहर, उसके बाद सेकेंड हमारी जो नमाज होती है वो होती है जहर। जहर होती है 12 बजे के बाद। जहर में कुल 12 रकात होती हैं, 4 रकात सुन्नत मौकदा, 4 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नत मौकदा, 2 नफिल, टोटल 12। 4 रकात सुन्नत मौकदा, 4 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नत मौकदा, 2 नफिल, टोटल 12 रकात। बेटा ये आपको याद नहीं करना, इसको समझना है और जहन में रखना है ताकि जब आप नमाज़ पढ़ना शुरू करें तो आपको पता हो कि नमाज में कितनी रकात मौजूद हैं, ठीक है ना। जिस टाइम की जो नमाज है उस टाइम की रकात के हिसाब से आप नमाज पढ़ेंगे। और ये अपने 4th चैप्टर रिवीजन करेंगे हम इस्लामियत की बुक से। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है अल्लाह। अल्लाह के बारे में मुसलमानों का अकीदा क्या है? अल्लाह एक है। क्या अल्लाह का कोई रिश्तेदार है? जी नहीं। क्या अल्लाह का कोई शरीक भी है? जी नहीं। क्या सारी दुनिया को अल्लाह ने बनाया? जी हाँ। अल्लाह कहाँ कहाँ मौजूद है? अल्लाह हर जगह मौजूद है। चैप्टर सेकंड है तौहीद। तौहीद का क्या मतलब है? अल्लाह के एक होने पर यकीन रखना। मुसलमान का और किस बात पर ईमान है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अगर कोई शख्स अल्लाह को एक ना माने तो मुसलमान कहला सकता है? जी नहीं। क्या वो शख्स जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे मुसलमान हो सकता है? जी नहीं। क्या वो शख्स जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी ना माने मुसलमान हो सकता है? जी नहीं। 3rd चैप्टर है हमारा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसका पहला क्वेश्चन है, मुसलमान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से पहले क्या पढ़ते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ते हैं? शैतान की बुराई से बचने के लिए। शैतान की बुराइयों से बचने के लिए किसकी पनाह मांगते हैं? अल्लाह की। शैतान से बचने की क्यों कोशिश करते हैं? बुराइयों से बचने के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब क्या है? मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद की बुराई से। चैप्टर नंबर 4 है अल्लाह के पैगंबर। अल्लाह ने अपने बंदों को सही रास्ता दिखाने के लिए किनको भेजा? अपने पैगंबरों को भेजा। अल्लाह ने कितने पैगंबर भेजे? कमोबेश 1,24,000। सबसे पहले पैगंबर का नाम बताइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे आखिरी पैगंबर का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद मशहूर पैगंबरों के नाम बताइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा आपने इसी तरह बस इसके चैप्टर याद करने हैं, चारों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। और ये जो मैंने आपको आज नमाज़ों का बताया है, फजर, जहर, असर, मगरिब, इशा, इनके नाम आप याद कर लें, जहन नशीन कर लें
और 5 टाइम अज़ान होती है, आपको पता होना चाहिए इस वक्त किस टाइम की अज़ान हो रही है, इस अज़ान का नमाज का वक्त क्या है, कौन से वक्त की नमाज है और नमाज का नाम क्या है, फजर है, ज़ोहर है, असर है, कौन सी है और इसमें कितनी रकात मौजूद हैं, हर नमाज की रकातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके साथ आपको ये क्वेश्चन आंसर पक्के करने हैं सबक अल्लाह के पैगंबर तक, सबक अल्लाह से चैप्टर नंबर 1 से सबक नंबर 4 अल्लाह के पैगंबर तक, ठीक है बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।